नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सीज क्लब में। ये है पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रेंस का डिस्कस कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है हर एक तरह का। इसमें हम लोग फुल कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें हम लोग टाइप 8 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम लोग टाइप बाई टाइप बढ़ रहे हैं। जितना भी पार्ट हुआ है सारा का सारा टाइप वाइज हुआ है, जिससे आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं पैकेज में अवेलेबल करा दिया है मैंने, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आज का भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसे आप आसानी से समझें। तो पैकेज आपको कहाँ मिलेगा? पैकेज के लिए आपको ssclubstore.com पे जाना होगा। वहाँ पे आपको मीनू पे जाने के बाद, मीनू पे क्लिक करने के बाद चैप्टर वाइज पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आपको चैप्टर वाइज जो भी पैकेज है वहाँ अवेलेबल है। फुल कोर्स के साथ वहाँ वीडियोज के साथ लिंक भी मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको SSC CGL Tier 1 का PDF चाहिए, तो बहुत सारे PDF वहाँ अवेलेबल है, जहाँ आपको 2017 के CGL के क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारा क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है वो मैंने डाल दिया है PDF के रूप में। हर एक सेट का क्वेश्चन में से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उठाया है। उसी तरह मेंसुरेशन ज्योमेट्री का है, उसी तरह परसेंटेज का है, और PDF आने वाला है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। अगर आपको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस मैंने रखा है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं है, 10-20 रुपीज़, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बहुत इजी तरीके से, आप बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है। एक बार आप PDF परचेज कर सकते, देख सकते हैं, और वहाँ से आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री PDF भी अवेलेबल है। तो हम लोग देखते हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आप यहाँ पे समझें, लिखा हुआ है, इन एवरी 20 मिनट ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम कोलकाता फॉर दम दम विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक कलकत्ता स्टेशन है, यहाँ पे दम दम स्टेशन है। मान लीजिए ये क्या है, डिस्टेंस है, ये कोलकाता है, ये क्या है, दम 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 स्टेशन है कलकत्ता के अंदर ही। विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। अ मैन गोइंग टुवर्ड कलकत्ता फ्रॉम दमदन, एक आदमी है जो इस डायरेक्शन में कलकत्ता की ओर जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि हर एक 20 मिनट में ट्रेन खुलती है कलकत्ता से दमदन की ओर, और इसे हर एक 16 मिनट में वो ट्रेन दिखता है जब ये लौटता है। इसका मतलब ट्रेन जो है हर एक 16 मिनट में वो दिख रहा है, जो मतलब ट्रेन खुल रहा है इधर से, इसको 16 मिनट में दिख रहा है, और जैसे ये 20 मिनट में, 20 मिनट पर 20 मिनट में खुल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 मिनट आदमी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके पास जो ट्रेन पहुंच रही है वो 4 मिनट में पहुंच रही है। हर एक 4 मिनट में वो ट्रेन उसके पास पहुंच रही है। मतलब दो ट्रेन की डिस्टेंस की अगर देखा जाए तो उसके पास 4 मिनट में पहुंच रही है। इसका मतलब जो 4 मिनट में, 4 मिनट में ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, उतना ही टाइम आदमी कितना टाइम ले रहा है, 16 मिनट ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। मतलब 4 मिनट ले रहा है ट्रेन, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में आदमी कितना ले रहा है, 16 मिनट। तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है मैन की, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इन टाइम। और स्पीड कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, और ट्रेन 4 मिनट ट्रेवल करता है, तो 4 बाय 60 करते हैं, जिससे आवर में हो जाए। ये 4 मिनट था, 60 से डिवाइड कर दिया, ये आवर में हो गया। ये ट्रेवल कर रहा है ट्रेन 4 मिनट में, उतना ही डिस्टेंस जो आदमी है वो 16 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। उसका डिस्टेंस, इसका टाइम 16 मिनट में, तो 16 मिनट बाय 60 मैंने कर दिया, और यहाँ पे इसका जो स्पीड है 6x मान लिया। तो आप समझे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे समझना। हर एक 20 मिनट में ट्रेन स्टार्ट हो रही है, और इसे आदमी को क्या मिल रहा है, 16 मिनट में, हर एक 16 मिनट में मिल रहा है। इसका मतलब कि 16 मिनट तो ये ट्रेवल कर रहा है, लेकिन 4 मिनट में जो ट्रेन खुली है उसे ये पार कर लेती है। मतलब इसका जो डिफरेंसेस है 4 मिनट का, ये 4 मिनट में, ये 4 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतना ही ये ट्रेवल कर रहा है 16 मिनट में। आप इमेजिन करके देख सकते हैं। इसे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 4 से 15 बार में, और 15 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, और 8 से 60 बाई 8 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, 4 से 15 बार में, 4 से 2 बार में, तो आंसर देखा जाए तो क्या होगा, 7 होल प्लस 1 बाई 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था कितने कितने देरी में, वो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। आप एक बार इमेजिन करके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हर एक 15 मिनट में, इन एवरी 50 मिनट अ ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम मुंबई टू सीएसटी एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन हमेशा
15 15 मिनट में खुल रही है, कहाँ से? मुंबई से सीएसटी की तरफ, जो कि 15 मिनट में खुल रही है और उसका स्पीड 36 किलोमीटर बराबर है। एक आदमी इधर ही जा रहा है, मतलब मुंबई से सीएसटी की तरफ ही जा रहा है, अगर वो चलता है तो मान लीजिए, ये मान लीजिए 18 मिनट में यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ 15 मिनट में जो ट्रेन खुली थी वो 18 मिनट फिर से चलेगा, तो ये 15 मिनट में ये क्या कवर कर लेगा? जो डिस्टेंस ये 18 मिनट में कवर किया था, वो ट्रेन कितने मिनट में कवर कर लेगा? 3 मिनट में कवर कर लेगा। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, तो 3 मिनट में कवर कर लेगा, इसका मतलब कि जो ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर, वो 3 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? तो 3/60, यहाँ मैंने कर दिया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इन टाइम, ये स्पीड है और ये क्या है? टाइम है, जिसको मैंने आवर में कर दिया। ट्रेन तो इस 3 मिनट में कवर कर रही है, लेकिन आदमी का स्पीड नहीं पता, एक्स मान लेते हैं 18/60, वो 18 मिनट में कवर कर रहा है। अब इसे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा? 60 से 60 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा और 6 से ही 6 कट जाएगा, इसका वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से समझना है, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, हर एक 15 मिनट में ट्रेन तो खुल रही है, लेकिन ये जो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 18 मिनट में, वो ट्रेन कितने मिनट में कवर कर रही है? 3 मिनट में कवर कर रही है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, 3 मिनट में कवर कर लेगी, जिससे आपको यहाँ पे डिस्टेंस 3 मिनट में ट्रेन कितना ट्रेवल कर रहा है और आदमी 18 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है, वो दोनों सेम होगा, जिसे हम लोग इक्वेट कर दिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ssclevelstore.com पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, और वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसे जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ssclevelstore.com पे जरूर जाकर विजिट करें। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं fb.com/ssclubofficial पे जाकर, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको और भी वीडियोस का पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिस का जो भी अपलोड मैं करता रहता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।